दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का प्रारंभ किया गया है, जिसके संदर्भ में सिलवासा नगर पालिका विस्तार के स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी जनसाधारण को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने एवं साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यपूर्ण रखने का संदेश पहुंचाने का है, जिसके संदर्भ में विद्यार्थियों को स्वच्छता ही सेवा के बारे में जानकारी दी गई। इस संदर्भ में विविध स्पर्धाओं में निबंध स्पर्धा, चित्रकाम स्पर्धा का भी आयोजन किया जाएगा। अभी हमारे स्कूल में सभी प्राइमरी स्कूलों में स्वच्छता ही सेवा इस विषय पर तारीख 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कृति आराखड़ा तैयार किया है। उसमें हमारे स्कूली बच्चों को प्लास्टिक का जो कचरा है वो एक जगह पे लाकर उसका पुनर्निर्माण करना है, ऐसा बच्चों को समझाना है। इसलिए हमने आज हमारे स्कूल में एक कॉन्टेस्ट भी रखा है प्लास्टिक के बारे में, विज्ञान के बारे में पोस्टर रखा है। और दूसरा, अभी जो प्लास्टिक कचरा है वो इधर उधर न डालना चाहिए, इसलिए सभी विद्यार्थियों की अभी हम रैली निकालने वाले हैं। उसमें जो गांव के लोग हैं, जो उनको बच्चों समझाएंगे कि प्लास्टिक कचरा जो है उसका पुनर्निर्माण हो सकता है, इसलिए हम बच्चों को रैली में ले जाएंगे। हमारे स्कूल में पोषण माह अंतर्गत क्विज कॉम्पिटिशन रखा गया है, उसमें स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है और पोषण के बारे में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्विज कॉम्पिटिशन 6 से 8 स्टैंडर्ड तक का है और बच्चों ने बहुत उत्साह से उसमें भाग लिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक है उसका कचरा नहीं होना चाहिए, इसलिए कचरा एक साथ इकट्ठा करके फिर उसका उपयोग कैसा होगा वो हमने बच्चों को समझाया है और उसके बारे में अभी हम रैली निकालने वाले हैं। साथ में बच्चों के हाथों में हमने सूत्र भी दिए हैं कि प्लास्टिक का उपयोग दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका फिर भी उपयोग में कैसे ला सकते हैं ये हमने बच्चों को ठीक तरह से समझाया है। और अभी रैली में वो लोगों को समझाना हम चाहते हैं।